लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यार साहब अभी तक पड़े सो, चाय रख दी, अपने आप पी लेना। काका अब क्या है? ये देखो क्या है अब? आज फिर नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं होंगे तो क्या खुश होंगे है? अब कौन सी गलती हो गई हमसे? गलती? अरे पूछो जाकर अपने विक्रम अंकल से। अंकल आए थे? अरे कब कब नहीं आए वो, कितनी बार फोन किए। अरे किसके से झूठ बोलूं तुम्हारे लिए, कब तक अपनी बेइज्जती कराता फिरूं? ना मालूम कब सुधरोगे तुम। जानते हो कल कितना जरूरी काम था? क्या? अरे तुम्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने हैं और आज उसकी आखिरी तारीख है। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है और क्या, आज आखिरी तारीख है ना। हाँ तो दस्तखत हो जाएंगे। दस्तखत हो जाएंगे? रोक क्यों दी? क्या? अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट। काका क्या है? मुस्कुराइए ना। मुस्कुराइए। अरे मेरे प्यारे काका प्लीज। जा जाकर जल्दी से तैयार हो जा। अब पता चला कि नया दिन शुरू हुआ है। रामदीन। नमस्ते साहब। रामदीन आइए विक्रम बाबू आइए। मतलब ये कि छोटे साहब बहादुर आज मौजूद हैं। आपको कैसे पता चला? तुम्हारी मुस्कुराहट से। तुम कब और कैसे मुस्कुराते हो मुझे मालूम है। बुलाओ उस नालायक को। गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल मैं कब से आपकी राह देख रहा था। काका बता रहे थे कि आज कोई आखिरी तारीख है कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने। ओहो आखिरी तारीख वाला कॉन्ट्रैक्ट। बहुत परेशान कर रखा था इसमें। इसने नहीं तुमने। मैंने? ओहो यानी कि मैंने तो दस्तखत करने इस पे। वाओ व्हाट अ नाइस पेन। इंपोर्टेड है? अंकल आपका भी जवाब नहीं है। हर चीज का एक नया स्टाइल, हर बात का एक नया अंदाज। बकवास बंद करो। करूं? साइन हो गया। आखिरी तारीख वाला काम हो गया। अंकल ये नाश्ता वाश्ता? नाश्ता यंग मैन इस वक्त दिन के 1:30 बजे हैं। ये नाश्ते का टाइम नहीं लंच का टाइम है। तो लंच? लंच हम कर चुके हैं, अब हमारे ऑफिस जाने का टाइम है। तो आप अभी काम पे जा रहे हैं? हम काम पे जा रहे हैं। मैं भी काम पे जा रहा हूँ। कैसा काम? शिकार। काहे का शिकार? खरगोश का। आई हाँ मनाली, इसी बर्फ पर फिसलते फिसलते कांता। कांता? हाँ शांता, इसी बर्फ पर फिसलते फिसलते जिंदगी हाथों से फिसल गई और वो मुझे अकेला छोड़ गई। काश मैं भी उसके साथ फिसल गया होता। पिछले 5 सालों से सर्दी हो या गर्मी, बर्फ हो या धूप, मैं इस पुल के आसपास बैठकर उसकी राह देखा करता हूँ। और आज अचानक तुम आ गई कांता। मेरा नाम शांता है मनोज। अरे नाम कुछ भी हो मुझे तो सिर्फ काम से मतलब है। क्या? मेरा मतलब फर्क तो सिर्फ क और श का है ना, बाकी आंता तो है, ऊपर वाला जानता तो है, मेरे गम को मानता तो है। सच बताओ कांता, मेरा मतलब है शांता, क्या तुम वही हो? और अगर नहीं हो और ये तुम्हारा दूसरा जन्म है तो तुम 5 सालों में इतनी बड़ी कैसे होगी? ये तुम क्या कह रहे हो मनोज, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक? तुम कांता को मजाक? मेरा मतलब शांता को। क्या नाम था उसका? कांता। मेरा नाम शांता है। तुम ही मेरी कानू हो, तुम ही मेरी शानू हो। मुझे उस कांता की कसम जो मैं झूठ बोलूं, मेरा विश्वास करो। Thank you.
गोपाल क्या हुआ? कुछ नहीं, पसीना पसीना हो रहा है, तो ठीक है ना यार? ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लग रहा, मैं भी डॉक्टर को फोन। ए, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। जरूरत है, सारा बदन बर्फ की तरह ठंडा है। मैं कह रहा ना, मैं ठीक हूँ, बुरा सपना देखा था बस। धत तेरी की, तुझे देखकर मेरी जान निकल गई थी। ए, जान के बच्चे, आज कौन सी जान को विदा करके आया? ठीक कोई शांता, मेरा मतलब है कांता। चली गई? हाँ। कई काम से बेचारी। एक बात बता गधे, तुझे कब अकल आएगी? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अरे कोई आबाद करने वाली मिल जाए तो मैं उसे तेरी भाभी बना दूंगा। भाभी या भाभी? हाँ। अरे कोई अच्छी लड़की ढूंढ के शादी वादी कर ले यार। अरे अच्छी लड़की की तो तलाश कर रहा हूँ, तू भी ढूंढ देना कोई अच्छी सी। तेरी कसम गोपाल, जो लड़की तू बताएगा उससे मैं शादी कर लूंगा। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। मुझे तेरी बात पसंद आई यार। भाई अपनी पसंद तो आ गई। हाय हाय हाय, क्या पांव है भाई। भाई इन्हें जमीन पर नहीं, हमारी छाती पर रखिए ना। अरे क्या कमर है, क्या लचक है। वाह क्या बाल है, जैसे सूरज की किरणों को किसी ने बांध लिया हो। सही बात है यार। हाय क्या चाल है, जैसे मन में कुदकुदी हो रही हो। आय हाय ये गुलाबी होंठ, जैसे फूलों की सारी लाली चुरा ली हो। ये हिरनी जैसी आंखें, हाय मैं मर जावां। जाने मन इन प्यारे प्यारे हाथों से हमारे मुंह में भी। मुंह के बजाय मुंह पर दे दिया। ये हुई ना बात, विजय के लिए इससे बेहतर और कोई भला हो नहीं सकती। अरे है कहाँ वो यार? वो रही सामने, रंग बिरंगे कपड़े पहने हमारी तरफ ही आ रही। अरे क्या बात है गोपाल, जिंदगी वाकई संवर जाएगी। नजदीक संभल कर जाना वरना सूरत बिगड़ जाएगी। अच्छा अगर ये बात है तो लग गए शायद, मैं तुम्हें 100 का भाव देता हूँ। तो मेरे भी लग गए 50। 100 का भाव है ना? हाँ। अब देखना विजय का फॉर्मूला 44। चलो चलो फोटो खिंचवाते हैं। हाँ। अरे कितने हैंडसम है ना ये दोनों। हाँ यार। अरे दूसरे ने हमें देखकर मुंह क्यों फेर लिया? अरे शर्मा रहा होगा, लेकिन कितना स्मार्ट है ना। चलो गोपाल चले। ये क्या? अरे ये तो लंगड़ा है। हाँ हाँ लंगड़ा हूँ मैं। अरे गोली मार दो मुझे, पहाड़ी से फेंक दो मुझे। आप जैसे खूबसूरत और पूरे इंसानों के बीच मुझ जैसे अधूरे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। क्या हुआ? क्या बात है लड़कियों? मैं बताता हूँ। हाँ मैं लंगड़ा हूँ सर, और इन लोगों को मेरा लंगड़ा होना पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप तो इनके टीचर हैं, क्या आप इन्हें यही शिक्षा देते हैं कि एक अपाहिज की बेबसी का मजाक उड़ाया जाए? बेटे आई एम सॉरी, इनकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ। चलो चलो माफी मांग लो, माफी मांग लो। माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिए। अरे तुम तो रो रही हो, ठीक है तुम्हें छोटी बहन समझकर मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। जाओ जाओ और खेलो। जाओ जा तू भी खेल। सॉरी ये सब क्या था? विजय का फॉर्मूला 44 क्या? और अभी तो शुरुआत है, आगे तमाशा देखना। अब तो मेरा हाथ छोड़ दे और मैं लुढ़कते हुए उस खाई की तरफ जाऊंगा। और फिर दुनिया से एक और नेक इंसान कम हो जाएगा। क्यों? अरे नहीं यार तू समझा नहीं, वही मुझे संभालेगी। तू देख तो सही, देख पीछे खाई है, तू ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, समझा? गोपाल शर्त तू नहीं लगाई है। अरे भाड़ में गई शर्त, चल साला डरपोक। आप ठीक हो ना? साला कलाकार जी। बीमार है ना, क्या जरूरत थी ढलान पे ऐसे भागने की, कुछ हो जाता तो। जो हो गया तो हो गया ना, रहने दीजिए।
थैंक यू मैडम, मेरी वजह से आपने अपनी जान को खतरे में डाल दिया एक अपाहिज के लिए। प्लीज कुछ मत कहिए, आप ठीक तो है ना? ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। सारा कसूर तो उस रेस का था। रेस? हाँ, मोटरसाइकिल रेस। जुनून था मुझे मोटरसाइकिल चलाने का। बहुत बड़ी रेस थी, और इससे पहले कि मैं जीत का कप अपने हाथों में उठा पाता, मैं अपना बोझ उठाने के काबिल ना रहा। विनिंग पॉइंट पर मोटरसाइकिल फिसल गई और मेरे पैर की हड्डी कई जगह से टूट गई। झूठ, ऑपरेशन हुए, डॉक्टरों ने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा बिल्कुल पहले की तरह, मगर मेरा दिल टूट गया था। खुद को घर की चार दीवारी में कैद कर लिया, किताबें पढ़ता था, गीत लिखता था, वायलिन बजाता था। बकवास। यार दोस्त मुझे कभी कभी बाहर ले जाते थे, जैसे जबरदस्ती आज मुझे यहां तक ले आए। डॉक्टरों ने कहा मैं चल तो क्या फिर से दौड़ भी सकूंगा, और क्या हो गया यहाँ? क्या हो गया? आप तो दौड़ रहे थे, आप बाकी दौड़ रहे थे। अरे हाँ, मैं तो बाकी दौड़ रहा था। हाँ, आप सही कह रही है। मेरा नाम आप नहीं सीमा है। मेरा नाम विजय वर्मा है। प्लीज टू मीट यू। चल गए छोरी, कहीं मेरे 50 रुपए। मुद्दतों के बाद मैं हंस रहा हूँ सीमा, पहली बार ऐसा लग रहा है कि जिंदगी अब भी बाकी है। तुमसे मिलकर मैं एक अजीब सा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ। इसी तरह मुझे देखती रहना। देखो सीमा, देखो, मैं चल सकता हूँ। मैं चल तो क्या, मैं भाग भी सकता हूँ। माँ, see you soon, सीमा। Bloody idiot. Bye. वाह गोपाल वाह, कमाल हो गया। अरे विजय शर्त हार गया, वो भी 100 का भाव, तो 50 का कितना हुआ? अरे हिसाब लगाने बैठेगा तो रात हो जाएगी। अरे यार रात तो तब होगी जब पहले हमारी पार्टी होगी, वो भी विजय के हारने की पार्टी। अरे छोड़ यार, हारा हुआ खिलाड़ी क्या पार्टी देगा। अरे बेवकूफों, अभी तक हार और जीत का फैसला हुआ नहीं, खेल अभी बाकी है। अरे अब क्या बाकी है, तुझे क्या लगता है कि आज की शरारत के बाद वो तेरा मुंह देखना पसंद करेगी? अरे अपनी सैंडल इतनी बार मारेगी तेरी खोपड़ी पे कि छन्नी की तरह सुराख हो जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा गोपाल, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वो इस वक्त है कहाँ? वो इस वक्त शॉपिंग सेंटर में। हाँ, तुम ब्यूगल बजाओ, मैं समझ गया ना। लो आ गए कल वाले कलाकार, धोखे और फ्रॉड के उस्ताद। नमस्ते। नमस्ते। आखिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी होने वाली भाभी लाने के लिए। आखिर है कहाँ शहजादी? वो दुकान में। सुनिए, बहुत नाराज है आपसे, बच के जाना। फरमाइए। हमारी मेम साहब सिर्फ देख रही हैं कि कुछ खरीदा भी है। खरीदा भी है, पैक भी हो गया। कितना हुआ? 500 रुपए। गुड, ये लीजिए। थैंक यू। उनसे कह देना कि मैं बाहर खड़ा हूँ। जी अच्छा। Excuse me. Yes. ये भी पैक कर दीजिए और बिल दे दीजिए प्लीज। बिल आपका क्लियर हो गया। हाँ, किसने की? आपके साहब ने। मेरे साहब ने? जी हाँ। कौन? वो बाहर खड़े हैं, आपकी राह देख रहे हैं। डार्लिंग, आए, मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपनी सहेलियों के साथ आ जाना। बाय बाय। एक बार मेरे हाथ लग जाओ फिर देखूंगी। सच बताओ, तुम्हें डरना आता कि नहीं? Yes. I'm gonna kill you. I'm gonna kiss you. I hate you.
आई लव यू।